गुड इवनिंग व्यूअर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली इस चैनल पे शाम 6 बजे मैं आपको साइंस के 5 कंसेप्ट सिखाता हूँ और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ा के आपका साइंस बहुत अच्छा कर दिया जाए। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज साइंस के जो 5 कंसेप्ट हैं उनको हम देखेंगे और वो कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है बच्चों, ये क्या है, ये है पॉन्ड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तालाब। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि पॉन्ड एक्चुअली है क्या। तो बच्चों पॉन्ड वाटर बॉडी है। क्या है पॉन्ड? पॉन्ड वाटर बॉडी है। अब जब हम वाटर बॉडी की बात करेंगे ना, तो पूरे अर्थ पे सिर्फ 2 तरह के वाटर बॉडी हमको मिलेंगे। कौन कौन? एक वैसे वाटर बॉडी जो नेचुरल वाटर बॉडी है, मतलब जिनको नेचुरल में खुद नेचर ने बनाया है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वाटर बॉडी। ठीक है बच्चों। और दूसरे कैसे वाटर बॉडी है, जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है, मतलब जिनको हम लोगों ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, उनको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी। अब जब हम पॉन्ड की, रिवर की या सीज की बात करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल वाटर बॉडी। लेकिन हम लोग अपने घर में जो एक्वेरियम रखते हैं वो एक्वेरियम क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी। ठीक है बच्चों। अब जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है इसको हम एंथ्रोपोजेनिक वाटर बॉडी भी बोल सकते हैं। अब एंथ्रोपोजेनिक के बारे में अगर जानना है आपको तो आई बटन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, वो कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये जो वाटर बॉडी है, जब हम बात कर रहे हैं पॉन्ड का, तो पॉन्ड क्या है, ये इकोसिस्टम भी है। अब इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कैसा इकोसिस्टम हो जाएगा बच्चों, तो नेचुरल इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा, आर्टिफिशियल नहीं ना होगा। पॉन्ड कैसा होगा, नेचुरल इकोसिस्टम होगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो आपको मालूम चलेगा कि जितने भी वाटर बॉडी हैं इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक फ्रेश वाटर बॉडी, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रेश वाटर बॉडी। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा सेलाइन वाटर बॉडी, सेलाइन वाटर बॉडी। अब इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो गया। देखिए अगर हम पूरे अर्थ की बात करेंगे ना, तो अर्थ में 90% से भी ज्यादा जो वाटर बॉडी है ना, वो सेलाइन वाटर बॉडी है, लाइक सी। तो उनका पानी हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्ट कंजम्पशन पे नहीं ले सकते। हम लोग जिस वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं वो कैसा वाटर होना चाहिए, वो फ्रेश वाटर बॉडी का वाटर होना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया। और इसका जो मेन सोर्स है बच्चों वो क्या है, ग्राउंड वाटर बॉडी है। और उसको हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें बच्चों ग्राउंड वाटर बॉडी के स्टडी की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजियोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी। ये कंसेप्ट भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप हाइड्रोजियोलॉजी वाला भी कंसेप्ट देख सकते हो। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, हमारा तीसरा कौन सा वर्ड है आज, ये है गैल्वेनोमीटर। अब आइए देखिए गैल्वेनोमीटर क्या है, ये इस तरह का कुछ दिखने वाला डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसका काम क्या है, ये करता क्या है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें ना बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिफ्लेक्शन होता है करंट, उसी को मेजर करता है। किस चीज को मेजर करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट या डिफ्लेक्शन इन करंट, उसको ये मीजर करता है। आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक निडिल लगा हुआ है, यही निडिल मीजर करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये टाइप का आम मीटर ही है बच्चों, बट आम मीटर और इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ये करंट के किस चीज को मीजर करता है, डिफ्लेक्शन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया आम मीटर, तो सेम वही है। अब इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा बच्चों कि आम मीटर को आम मीटर क्यों बोलेंगे। तो ये देखिए, ये करंट को मीजर करता है। एमीटर का मेन काम क्या है, मीजर द करंट। कौन सा करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट, मीजर इलेक्ट्रिक करंट। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मीजर करेगा, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट को मीजर करता है किसमें, एम्पियर में। किस चीज में करता है बच्चों मीजर, एम्पियर में, इसलिए इसको बोला गया ए मीटर। एक्चुअली ये एम्पियर मीटर का ही एब्रीविएटेड फॉर्म है, और इसको जब भी हम सर्किट में जोड़ेंगे ना बच्चों, तो सीरीज में जोड़ेंगे। अगर इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में भी पूरा बनाया जा चुका है एक वीडियो, वहां आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। अदरवाइज ये मोर देन सफिशिएंट कांसेप्ट है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला है वोल्ट मीटर। अब देखिए इसमें क्या है, जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने देखा कि एमीटर क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके वैल्यू को मीजर कर रहा था, किस चीज में, एम्पियर में। ठीक उसी तरह ये जो वोल्ट मीटर है,
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमको मालूम करना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो उस दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखने वाला बात है बच्चों, कि वोल्ट मीटर को हम लोग जब भी कनेक्ट करेंगे ना किसी सर्किट में, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जबकि एमीटर को हम लोग जब भी कनेक्ट करेंगे तो किस चीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।